हे गाइस, आज मैं मिथ बस्टर्स की पहली सीरीज लेके आया हूँ। ये जो सीरीज है, यहाँ पे मैं पबजी के कुछ मिथ्स के बारे में बताऊंगा, मतलब वो सही है या फिर गलत है, मतलब मिथ सही है या फिर बस्ट है। तो भाई चलो यार, आज से स्टार्ट करते हैं। हफ्ते में आपको 2 से 3 बार ये सीरीज मिल जाएगी, और अगर आपको अपने मिथ्स भी इसमें फीचर करना है आपके नाम के साथ, तो प्लीज आप अपने मिथ्स नीचे कमेंट कीजिए। तो चलिए पहले मिथ की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला मिथ ये है कि अगर आप फायर करते समय अपनी आई बटन को जो है मतलब मूव करेंगे, तो आपकी फायर जो है स्टॉप हो जाएगी। इसका मतलब आप फायर नहीं कर सकते आई बटन को मूव करते। तो चलिए चेक करते हैं मिथ कंफर्म है या बस्टेड है। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही मैं आई बटन को मूव करता हूँ, तो भाई फायर जो है स्टॉप हो जाता है। Hence the myth is confirmed। तो जो सेकंड मिथ है वो ये है कि आपको स्पेशल कपड़े मिल जाएंगे। आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक क्विक ड्रॉ मैच अपने एनिमी या फ्रेंड के साथ चेयर पार्क पे स्टार्ट कर लेना। उसके बाद सेकंड एनिवर्सरी लॉन्चर पे आपको बैठ जाना है, और उसके बाद जो लिखा है आप पढ़ ही सकते। तो भाई चलो इसको अपन ट्राई करते हैं। तो भाई एज यू कैन सी, मेरे को स्पेशल क्लोथ्स मिल गए हैं, जिससे अपन उड़ते हैं सेकेंड एनिवर्सरी वाले लॉन्चर में। वो वाले कपड़े मिल गए हैं। हेंस द मिथ इज कंफर्म। तो भाई कंफर्म हो गया ये मिथ, और मेरे को काफी अच्छा मिथ ये लगा है। तो भाई नेक्स्ट मिथ ये है कि रीलोडिंग टाइम जो है गन्स में अलग अलग होता है, जब उनमें एमो होती है और जब एमो नहीं होती। तो चलो भाई इसको भी अपन ट्राई करते विद द DP28। भाई यहाँ बिल्कुल ना अनएक्सपेक्टेड से रिजल्ट आया। भाई 4.4 सेकंड लग रहे जब एक एमओ थी, और 5.4 सेकंड लग रहे विदाउट एमओ। हैंस द मिथ इज कंफर्म, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड से रिजल्ट आया। तो चलो नेक्स्ट मिथ की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई अगला मिथ ये है कि जो नया अपडेट है उसके बाद अगर आप यूनिवर्सल मार्क से असेंबल बोलते हैं, तो यहाँ पर फॉर्म अपॉन मी का मैसेज आएगा मैसेज बॉक्स में। तो चलो भाई इसको भी अपन ट्राई कर लेते हैं। So as you can see, ये जो मिथ है कन्फर्म्ड हो चुका है। फॉर्म अपॉन मी यहाँ पे लिखा आ रहा है जब हम यूनिवर्सल मार्क से असेंबल करके लिख रहे हैं। तो भाई मिथ इज कन्फर्म। तो नेक्स्ट मिथ ये है कि भाई आपके जब एमओ टीडीएम में फिनिश हो जाती है, तो इसको अगर आप अपनी गन को ड्रॉप करके फिर से वापस उठाओगे, तो आपकी जो एमओ है वापस आ जाएगी। तो भाई चलो देखते हैं क्या होता है। मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ होगा। तो भाई एज यू कैन सी यहाँ एमओ वापस नहीं आई है। हेंस द मिथ इज बस्टेड। तो भाई नेक्स्ट मिथ ये है कि अगर अरीना ट्रेनिंग में मतलब वेक्टर एंड वेक्टर एक्सटी में दोनों में अलग एमिंग और अलग टाइप का स्कोप है, 4x वाला वेक्टर एक्सटी में M4 जैसा है, और वेक्टर वाले में सेंटर प्लस वाला है। तो भाई चलो चेक कर लेते हैं। तो भाई बिल्कुल आपने सही बोला था। तो भाई हैंस द मिथ इज कंफर्म्ड। तो भाई अगला मिथ ये है कि M762 का आयरन साइट जो है चेंज हो गया है अपडेट के बाद। तो चलो भाई चेक कर लेते हैं। सो एज यू कैन सी यहाँ पास जो है बैरल की जो आयरन साइट है वो चेंज हो गया, काफी हद तक AKM की तरह दिख रहा है। हैंस द मिथ इज कंफर्म्ड।
सो अगला मिथ ये है कि 0.19 अपडेट के बाद आप सुपरमैन जंप नहीं कर सकते जो प्रोन एंड जंप वाला बटन दबाते थे तो। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये जो है सुपरमैन जंप नहीं हो रही है, तो भाई हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। तो अगला मिथ ये है कि ट्रेनिंग मोड में लो टॉस पे ग्रेनेड फेंक कर उसके ऊपर अगर प्रोन हो जाएंगे तो सुपरमैन की तरह उड़ेंगे। क्या बात है भाई, चलो ट्राई करके देखते हैं। ओ भाई बिल्कुल आसमान की ऊंचाइयों में चले गए थे। बाकी यार कोई नहीं, मस्त मिथ था यार, हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। तो अगला एंड लास्ट मिथ ये है कि भाई साहब आप नॉक होने के बाद भी दीवार या कहीं पे स्टिकर लगा सकते हैं। भाई लगाएगा कैसे मैं ये सोच रहा हूँ। चलो यार देखते हैं क्या है, मिथ कंफर्म्ड है या बस्टेड है, लेट्स सी। तो भाई लास्ट मिथ यार कंफर्म्ड हो जाता है और भाई कमाल का मिथ था। ले भाई अब जो है ना भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, जितना फैला सकते उतना फैला दो। और कल एकदम स्पेशल वीडियो आपके लिए आने वाली, तो भाई सब्सक्राइब कर लो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। होप यू लाइक दिस वीडियो। टाटा बाय।